बात नहीं करूंगा क्योंकि अनुष्का बहुत ही ज्यादा स्टबन है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या आप लोग जानते हो मैं निकू स्टबन? नहीं तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो मेरे क्लासेस दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम एफसी स्किल्स एंड आज मैं आप लोगों के सामने लेकर क्या हूँ मैं निकू स्टबन। तो गाइस स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। जैसे आप देखते हो कि आप लोगों के घर के आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज्यादा स्टबन है। तो गाइस अगर उनको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं। जैसे अगर उनको एक चॉकलेट चाहिए तो गाइस वो बार बार कहेंगे मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। चलिए गाइस अब हम जानते हैं कि स्टबन को हमें अपने सेंटेंस में कैसे कैसे यूज करना है। तो जो आप लोगों के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है ही इज अ स्टबन चाइल्ड, यानी वह एक जिद्दी बच्चा है। ही इज अ स्टबन चाइल्ड। बस इस तरीके से हम लोग स्टबन को अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। अब चलते हैं स्टबन के अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस है वो है शी इज लेजी स्लो एंड स्टबन, यानी वह एक लेजी स्लो और स्टबन है। वह लेजी है यानी बहुत ज्यादा आलसी है, स्लो है यानी बहुत स्पीड से काम नहीं करती है, और इसके साथ साथ गाइस वो स्टबन भी है यानी जिद्दी है। तो बस इस तरीके से हम लोग स्टबन को अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टबन का मीनिंग अच्छे समझ आया होगा। और अगर गाइस अच्छे समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी स्टबन है या नहीं है। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।